एंड स्वागत है आपका बन्ना फूडी किचन में। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं ऐसा नाश्ता जिसे आप झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी तो बहुत पड़ी रही है और हम सोचते हैं कि कुछ झटली से झटपट से बन के तैयार हो जाए। तो ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, हल्की फुल्की सी है और इसे जब चाहे आप बना के ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी मेरी फेवरेट है, अक्सर मैं अपने घर में इसको बनाती हूँ। अगर आपने एक बार इसको इस प्रकार से बना लिया तो बार बार बनाना पसंद करेंगे, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो, और इसका स्वाद लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया हुआ है। तो हमें लेना है एक कटोरी पोहा। तो पोहा आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं जो भी आप अपने घर में लाते हो। अब हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल देना है और ढक्कन लगाकर हमें इसका पाउडर से बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए एकदम पाउडर सा बन के हो चुका है तैयार। अब इसको हमें एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, आप पोहा कम या ज़्यादा ले सकते हैं अपने घर के लोगों के अनुसार, जैसे आप रेसिपी बनाना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों के लिए या कम लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसको मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें एक कटोरी हमें डाल देना है बेसन। तो हमने एक कटोरी पोहा लिया था और एक कटोरी ही हम लेंगे बेसन। अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स दही। तो मैंने एक बड़ा चम्मच भर के दही डाला हुआ है। दही बिल्कुल खट्टा नहीं है, एकदम नॉर्मल है। तो हमें नॉर्मल ही दही यूज करना है, ज़्यादा खट्टा नहीं यूज करना है। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है क्योंकि पोहा थोड़ा सा फूलेगा। तो हम इसी तरह से इसे अच्छे से घुमाते रहेंगे मिक्सर से। अब इसमें थोड़ा सा पानी हमें और डाल देना है और अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है। इसी तरह हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हमें डालते जाना है और अच्छे से घुमाते जाना है, तो हमारा जो पोहा है अच्छे से फूल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब ये अच्छे से इस तरह से हो गया है। तो इसे हमें रख देना है 2-3 मिनट के लिए साइड में, तो ये अच्छे से फूल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब ये हमारा पोहा फ्रेंड्स अच्छे से फूल चुका है और बेसन के साथ अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसमें 2 से 3 बारीक कटी हुई फ्रेंड्स हमें हरी मिर्ची डाल देना है। इसके बाद हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा। अब इसमें टेस्ट अनुसार फ्रेंड्स हमें नमक डाल देना है। थोड़ी सी हमें चिली फ्लेक्स लेना है, धनिया लेनी है कुटी हुई, 1 चम्मच काली मिर्ची पाउडर लेना है और इसमें हमें 1/2 चम्मच के आसपास सोडा डाल देना है। और थोड़ा सा इसमें हम पानी फ्रेंड्स और डाल देंगे क्योंकि हमें इसे अच्छी तरह से आटे जैसा गूंथना है। तो इसी तरह से हम फ्रेंड्स हाथों से इसे अच्छे से मसलते रहेंगे। तो हमने जो भी मसाले डाले हुए हैं अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे। तो एकदम हमें इसका डोसा बना के तैयार कर लेना है जैसा हम आटा गूंथते हैं। अब इसमें थोड़ी सी हम हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच के आसपास कलर लाने के लिए, और अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है हल्दी को भी। तो इसी तरह से देखिए अभी हमारा बढ़िया सा आटा गूंथ के हो चुका है तैयार। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हम अगली प्रोसेस, अब हमें क्या करना है। हाथों में थोड़ा सा ऑयल या आप घी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसके छोटे छोटे से पीसेज बनाना है। तो आप चाहे तो बड़े साइज में भी रख सकते हैं, लेकिन छोटे साइज बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों को बहुत ही पसंद आती हैं, अगर वो खाते भी नहीं हैं तो भी इस तरह देखकर वो खाने लगते हैं। तो इसी तरह से हम छोटे छोटे से साइज और इस बीच में नुगली से इस तरह से में हम थोड़ा सा छेद कर देंगे इस तरह से, तो ये देखने में भी अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड्स आप छोटा या बड़ा साइज रख सकते हैं। तो मैं इस तरह से 2 बना के आपको दिखा दिए हैं, तीसरा भी मैं इसी तरह से फ्रेंड्स बना लूँगी। और नुगली से इस तरह से हम थोड़ा सा इसमें छेद करते जाएंगे। तो हमें ज़्यादा एकदम आर पार नहीं करना है, बस थोड़ा सा नुगली से इसे पुश करना है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम बना के रख लेंगे सभी को। तो देखिए मैं इसी तरह से सभी को इसी साइज में फ्रेंड छोटे छोटे साइज में हमें रख लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये सभी मेरे बनके इस तरह से तैयार हो चुके हैं। तो देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो आप जब भी बनाइएगा इतने साइज में ही बनाइएगा, छोटे छोटे, तभी ये अच्छे लगते हैं देखने में। अब हमने स्टीमर पहले ही गैस पर रख दिया था, स्टीम होने के लिए थोड़ा सा भाप आने लगी है और पानी डालकर भी रख दिया था नीचे। तो अब हम एक एक करके इसमें हल्का सा मैंने ऑयल लगा दिया था स्टीमर में कि ये चिपके नहीं, वैसे ये चिपकते नहीं हैं। और इसी तरह से हम सभी को इसमें इस तरह से डालते जाएंगे जितने भी हमने बनाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बस झटपट से आटा सा गूंथिए आप और इसको स्टीम कर लीजिए 5 मिनट तक। 5 मिनट में अच्छे से स्टीम हो जाते हैं। तो देखिए अब हम 5-6 मिनट बाद हमने इनको देख लिया है, अभी हमारे अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी आपस में चिपकते नहीं, हम इनको ऐसे ही हाथों से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब गैस को बंद कर देते हैं और इनको
ठंडा होने देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और बिल्कुल भी चिपकते नहीं। अगर आप बॉयल खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इनको ऐसे ही खा सकते हैं चाय के साथ, ब्रेकफास्ट में, आप इनको लंच में भी ले सकते हैं, डिनर में भी ले सकते हैं। जब भी आपका मन करे तो आप इनको बनाइए और आप इनको ऐसे ही खाइए, तब भी आपको अच्छे लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा और बढ़िया सा टेस्ट देने के लिए हम इनको करेंगे फ्राई। तो मैंने गैस पर पैन रख दिया था और मैंने डाल दिया है फ्रेंड्स कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हम पैन में अच्छे से फैला देंगे और एक चम्मच लेंगे हम काली वाली सरसों और एक ही चम्मच हम लेंगे सफ़ेद वाले तिल। तो थोड़े मैंने और ज़्यादा डाल दिए हैं, तो लगभग 2 चम्मच के आसपास हो गए हैं तिल। तो फ्रेंड्स अब इनको थोड़ा सा हम चटकने देंगे। आधे चम्मच के आसपास इसमें हम हींग डाल देंगे, हींग से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। इसमें थोड़ा सा डाल देंगे पानी, क्योंकि हम इसमें मसाले ऐड करेंगे तो वो जले नहीं। अब हम इसमें डाल देंगे आधे चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधे चम्मच धनिया पाउडर और आधे चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर और थोड़ा सा पानी हमें फिर से डाल देना है और इस मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है। तो इसको हम थोड़ी देर भूनने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें डाल देंगे आधे चम्मच के आसपास चाट मसाला और थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट अनुसार, क्योंकि हमने इसमें भी नमक डाला हुआ है जो हमने स्टीम करके रखे हुए थे। अब हम इस तरह से अच्छे से इसको चलाते जाएंगे और हमें अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है। जो भी हमने मसाला बनाया हुआ है इस तरह से इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इनको ऐसे ही खाना पसंद करें बिना फ्राई किए, तब भी ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम चलाते हैं इनको, बढ़िया सा हमें फ्राई कर लेना है। अगर आप चाहो तो इनको थोड़ा सा क्रिस्पी भी कर सकते हैं, अगर नहीं चाहो तो आप इनको हल्का सा ही फ्राई करके भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता हमारा फ्रेंड्स बनके होता है तैयार। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम इनको थोड़ा सा और अच्छे से फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है, बिल्कुल हल्के फुल्की सी होती है। तो बातों बातों में अब हमारी ये फ्राई हो चुकी है, तो चलिए अब इसको कर लेते हैं फ्रेंड्स हम सर्व। तो मैंने इसको टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। आपको जो भी चटनी पसंद हो आप इनके साथ खा सकते हैं, लेकिन आपको इनके साथ चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए एकदम सॉफ्ट नाश्ता बनके होता है तैयार। तो फ्रेंड्स एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी तो ये बहुत ही फेवरेट है, अक्सर इस रेसिपी को हम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। वीडियो के थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।